हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो नहीं अच्छी हूँ एक्चुअली। मैं सैटरडे को मेरे नाना जी की डेथ हो गई, जो कि मेरे पापा के समान थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही, जब छोटी सी थी तभी से उन्होंने मुझे से पाल के बड़ा किया। उन्होंने मुझे एक बाप का इतना बाप, इवन बाप से ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार किया था, दिया था मतलब। उनकी डेथ हो गई। वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे चारपाई पे ही, मतलब बेड पे बेड से उठना नहीं, नहीं उठ पाते थे ना, कुछ खा पाते थे, मतलब वो काफ़ी प्रॉब्लम में थे। वो इवन एक से दो महीना हो गया इसके। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छा हुआ उनके लिए, क्योंकि उनकी एज भी 90 के ऊपर हो गई थी। तो लोग जीने वाले जो लोग 100-100 साल जीते हैं, 100 से ज़्यादा जीते हैं, लेकिन उनकी एज हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे और ना उठ पा रहे थे, ना कहीं जा पा रहे थे, ना घूम पा रहे थे। बट अच्छा हुआ, थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम में थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि ऐसे मतलब स्ट्रगल करके जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। दुख मतलब दुख इस बात का है कि मतलब बहुत सारी उनसे यादें हैं, मतलब उन्होंने मुझे मेरे लिए मतलब क्या किया है, मतलब बचपन में थी तो मतलब एक इतना तो मुझे एक बाप से भी प्यार नहीं मिला, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो लग रहा है रो भी नहीं पा रही हूँ, रो भी पा रही हूँ क्योंकि बस कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बुरा भी हुआ, बस यही क्या ही बोलूँ। तो बस सैटरडे एक्चुअली में क्या हुआ था, सैटरडे को हम लोग गए हुए थे, हम लोग सैटरडे को मैं और संदीप गए हुए थे गुरुद्वारे बंगला साहब, ऐसे घूमने गए थे। और इतना मतलब हम लोग कभी ऐसा कभी प्लान नहीं होता कि मैं कभी मतलब जिद करूं और मैं कभी ऐसा नहीं होता कि कभी मैं मतलब निकल जाती हूँ, मतलब क्या ही बोलना, क्या बोल रहे हैं सॉरी, मतलब कि हम लोग मतलब जल्दी ऐसा कभी होता नहीं कि उनका ऑफिस है और फिर मैं घूमने का प्लान बना लूँ। मेरा छुट्टी था, उनका ऑफिस था, फिर मैंने बोला अब रास्ते में मिलते आना, क्योंकि फिर मैं बंगला साहब थोड़े घूम लेते हैं। बंगला साहब गए, हमने दर्शन वर्शन किया, आराम से सब कुछ का खाया पिया, और जैसे मैं बैठी खाने के लिए वैसे कॉल आ गई घर से। फिर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो खैर बस मैं यही बोलूँगी, आप लोग भी प्रे करिएगा कि मेरे नाना जी की आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी रहें वो खुश रहें और अच्छे से रहें। और मतलब उनको दूसरा जन्म मिले, एक अच्छा जन्म मिले, एक इंसान का जन्म मिले, और वो जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, खुश रहें, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं। आज के ब्लॉग ये है कि आज मेरा छुट्टी था और वो उनका ऑफिस था, मिस हो रही थी, सोच रहे थे जैसे मेरा ख्याल आया कि यार मगर शहर चलते हैं। तो आज से 5 बज चुके थे, उनकी छुट्टी हो चुकी थी, कॉल करा बोलते हैं कि मैं तो पहुँच जाऊँगा जल्दी, तो लेट इतना टाइम लगेगा, मैंने बोला मैं तो थकाव से मतलब आती है, से रेडी भी हो रही है। 5 मिनट में लगा कपड़े पहने, फॉर्म किया, निकल गई और उन्हें बोला हुआ है, उन्होंने बोला था कि मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगी, तो वो बोली ठीक है देखता हूँ। तो उन्होंने तो पहुंच गए लेकिन मैं रास्ते में हूँ, और फिर चलो देखते हैं अभी, तभी अभी रास्ते में होगी, मैं शायद ही उत्तम नगर पहुँचे हूँ। तो और उनसे झूठ बोला था कि मैं को लग रहा हूँ पहुँचने वाली, बट मैं पहुँची नहीं हूँ। तो मुझे लगा था अगर मैं उससे सच बोल दूँगी तो ये बोलेंगे कि नहीं कल चलेंगे मिले, उनका अभी भी मैसेज भी आ रहा है ऊपर, नोटिफिकेशन आ गया कहाँ पहुँची हो। तो मुझे पता था नहीं बोलेंगे कि कल चलेंगे या तो फिर कहीं और चल लेते, लेकिन अभी नहीं चलेंगे। तो इस चक्कर में झूठ बोलना पड़ा मुझे, ये वीडियो आप देखना तो सॉरी इसके लिए झूठ बोला मैंने, लेकिन मेरा मन तो बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है जनाब का, गुस्सा वाला होता है या कैसे होता है, क्योंकि हमको वेट करना पसंद नहीं है। चलो लेट्स सी।
फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। जनाब वेट कर रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि इतने टाइम से तो मैं तो ऑफिस से घर आ जाता। और देखो चलने के बाद देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इनका। मुझे ये दिख गया है, मुझे तो बहुत पसंद है इसे, तो मैंने इनसे बोलने लगा कि मुझे ना ये खाने के बारे में बहुत पसंद है। और जनाब का मुँह नहीं बना रहा है खुशी खुशी जब मैं एग्जिट हुई। आपको गुस्सा नहीं आया आज वेट करना पड़ा? बहुत सही था इतना वेट करना पड़ा आपको है? तो हमेशा ही वेट करने की आदत हो गई है। बड़ा वेट करते हो कि चिल्लाने लगते हो? पैदल घूमने का मजा ही कुछ और होता है, ऐसे मतलब एक्सप्लोर करते रहो और ऐसे मौसम अच्छा हो, लाइफ पार्टनर अच्छा हो। तो अच्छा सुनो, हम लोग शादी से पहले कितनी बार आए हैं लेकिन यहाँ पे बंगला साहब कभी नहीं आया ना। और आपको पता है ये बात ना, आपके ससुर जी भी मेरे ससुर जी सुन रहे होंगे, बोलेंगे बटवा हमरे शादी से पहले घूमता था साथ में हैं। बोलो हनुमान मंदिर ये तो रे यार, आपको उस बताना पड़ता है, आपको कुछ पता ही नहीं है हैं यार। देखो आज मेरा फेस फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना, क्या डांसर कर हट गए कंपटेंट डांसर कर? हाँ सो गए ना, कल से सोई तो रही हूँ, कल से लगातार कम हो गए ना डार्क सर्कल। हनुमान मंदिर हम अंदर नहीं जा रहे हैं लेकिन सुनो, हनुमान मंदिर की लड़की को दर्शन नहीं करना चाहिए ना, ऐसा सुना है मैंने। हनुमान जी कुछ भी नहीं है, बस बोलते हैं कि इनका पैक नहीं होगा यहाँ पे, हम बहुत ज़्यादा मुझे तो मज़ा आता है। वो बात लेती वहाँ से पानी, सर वहाँ से पानी नहीं आ गई, सर तेरे बोल रहे हो ना आगे रखे हो, अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं अच्छा लग रहा है, आप दूसरा वाला बानो, उसमें से बानो, ये ज़्यादा सही है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ले लो ना एक का प्रसाद लेना। बाय गॉड इतना टेस्टी प्रसाद है ना होता है यहाँ का हलवा, क्या ही बताऊँ। यहाँ पर अगर आओ प्रसाद ना खाओ समझो आना ही व्यर्थ है, प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी है। ये प्रसाद की लाइन बड़ी लाइन, इसे बोलते हैं लक। जैसे मेरा नंबर आया वैसे काउंटर बंद, बोलते हैं कि अरदास के बाद देंगे प्रसाद। इतना बड़ा मतलब दुख की बात है ना यार, सब इतने तो मतलब लाइन पे लग खड़े हो, लाइन पे लग कर खड़े हो, जैसे नंबर आया जैसे मैंने उनको पैसे पकड़ाने पकड़ाया वैसे बोल रहे हैं क्लोज अरदास के बाद, ये कोई बात हुई? अरदास का टाइम था, इतनी भीड़ थी यहाँ पर, सैटरडे था ना, इस चक्कर में बहुत भीड़ थी, पूरा भरा हुआ था अंदर बाहर पूरा। फाइनली हमें प्रसाद मिल गया इतनी लाइन लगने के बाद, और अब प्रसाद को चढ़ाएंगे देन हम दर्शन करेंगे बाबा जी का। दर्शन हो गया फाइनली, अब हम जा रहे हैं प्रसाद के लिए, क्योंकि यहाँ पे आओ प्रसाद ना खाओ, आई थिंक आपको फर्स्ट टाइम होगा ना। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि प्रसाद का। सो बस यहीं से फिर हमने कॉल आ गई घर पे और हम लोग भागने लगे, और फिर उसके बाद वहाँ पे गए, फिर उसके बाद
मैं अपने आप को इतना, मैं आज एक प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि छोटी छोटी चीज़ें मतलब मेरे माइंड पे एकदम हावी नहीं हो पाता है। अब लोग कोई मुझे लोग या निर्दयी बोले या कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अभी इस टाइम में बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मेरी नानी और मेरी मासिक ख़त्म हुई थी तो मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं बचूँगी, मैं मर जाऊँगी, उनके बिना मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, जीना ही नहीं है। बट हाँ, मुझे अब ये चीज़ समझ में आया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भगवान ने लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हम ये रोएंगे, तड़पेंगे, मतलब हम परेशान होंगे, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो भी वहीं पे उतने तड़पेंगे। तो यार, मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट अपनी खुशी के लिए नहीं, उनकी खुशी के लिए हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें कि जो उनको दुख पहुँचे। वो जहाँ भी रहें खुश रहें, बस मेरा यही मानना है। फिर मैं वहाँ पे गई, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मतलब कि मैं इंटरनली, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम था, मुझे अभी भी प्रॉब्लम है। मतलब बस बैठती हूँ, सोचती हूँ, मेरे मतलब मैं नाना को अपने बाबू बोलती हूँ, मेरे बाबू, मतलब एक टाइम होता था कुछ भी हो, मतलब अभी भी चीज़ें दुख पहुँचाती है। लेकिन हाँ, उस चीज़ से हटने के लिए माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है। हमें जो चीज़ हमें खुशी, जिस चीज़ से हमें खुशी मिले, हमें वो करना चाहिए। सो मैंने वही करने की मैंने कोशिश करी, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है मैंने वही करा। वहाँ पे जाकर के इलाहाबाद में, जैसे मेरा नैनी का ब्रिज है, घूमना मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पर सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है। मैं वहाँ पे गई, खाने का मेरा फेवरेट प्लेस है, क्योंकि मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे कुछ मुँह में गया नहीं था मेरे उन के तो। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, बस थोड़ा सा मतलब एक्टिविटी करी और तो अच्छा लगा, सुकून मिला। और मैं भी आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ भी होता है, इवन ऐसा क्या है, कुछ भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आप सैड मूड में हो, तो आप लोग वही करो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, आप उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि दुनिया मेरा फेवरेट रिटर्न इलाहाबाद है, और यहाँ पे ना खाऊं तो हो नहीं सकता। आप नहीं खा सकते, नॉन वेजिटेरियन है। और अगर आप लोग इलाहाबाद में रहते हैं या कोई भी आता है तो आप प्लीज़ एक बार ये टोन विजिट करिएगा, इतना ही होगी ना, क्या ही बताऊँगा। हम लोग इलाहाबाद की गलियों में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है। मेरी तो यादें ताज़ा हो रही हैं, आपका क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, आंसर मी, मेरी तो यादें बन रही हैं। ओहो, किसके साथ, किसके साथ बन रही है यादें आपकी, हाँ यार, बहुत लेट आंसर देते हो आप, किसके साथ आपकी यादें बन रही हैं, भले बताओ, हाँ किसके साथ बनेगी, जो साथ में चल रहा उसी के साथ हो। मैं यही सुनना चाहती थी, सामने बंद करो, इलाहाबाद आओ और यहाँ ना आओ तो फिर समझो अधूरा है। इसे बोलते हैं नैनी का ब्रिज। अरे यार, अब क्रॉस होना है, आप लोग देख सकते हैं ये गंगा जी है, और गंगा जी के बगल बगल में ये किला है, जो आपको लाइट आ रही होगी ना, ये किला है जो कि हमारे दिल्ली से, हमारे दिल्ली तक जुड़ा हुआ है। और इधर ये वो मतलब इधर ये गाड़ी वगैरह चल रही है, और इधर यहाँ पे लोग अपना आराम से घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मतलब आवाज़ सी रहती है, और इस साइड थोड़ा सा आ जाओ तो शांति रहती है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ही अच्छा लगता है। ये मेरी फेवरेट है, कोशिश करती हूँ कि इलाहाबाद आऊँ तो यहाँ ज़रूर ही आऊँ मैं, मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है।
जनाब भी आए हैं। आज तो इनका मूड नहीं था आने का, बोले कि जहाँ मैं एक बार जाता हूँ मेरा मैं बोर हो जाता हूँ दोबारा जाने का मन नहीं करता, फिर भी आए मेरे लिए ये। हाँ जी, कैसा लगा नैनी का पुल? कैसा लगा नैनी का पुल बताओ सच्ची में?